दिलाई जाएगी। सीएम योगी ने इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है, साथ ही कहा कि यह घटना दुखद है। सीएम योगी ने कहा कि सभी आरोपी पकड़े जा चुके हैं, उन्हें जल्द सजा दिलाई जाएगी। साथ ही सीएम योगी ने पीड़ित परिवार के प्रति संवेदना भी जताई है। वहीं उन्नाव में गैंगरेप पीड़िता की मौत पर उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती ने कहा कि ऐसे अपराधों को रोकने के लिए सरकारों को लोगों में कानून का खौफ पैदा करना चाहिए। मायावती ने कहा कि इस दुख की घड़ी में बीएसपी पीड़ित परिवार के साथ है। यूपी सरकार पीड़ित परिवार को समुचित न्याय दिलाने का जल्द से जल्द विशेष पहल करे, यही इंसाफ का तकाजा होगा और जनता की मांग भी यही है। इसके साथ ही आपको अपडेट कर दूं कि 25 लाख का मुआवजा जो है वो पीड़ित परिवार को दिया गया है। उन्नाव रेप पीड़िता की मौत के बाद कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने उन्नाव में पीड़ित परिवार से मुलाकात की है। पीड़ित परिवार से मुलाकात के बाद प्रियंका गांधी ने कहा कि परिजनों ने उन्हें बताया कि आरोपियों ने घर में घुसकर रेप पीड़िता के पिता से मारपीट भी की। कांग्रेस महासचिव ने कहा कि बीते एक साल से पीड़िता और उसके परिवार को परेशान किया जा रहा था। मैंने ये भी सुना कि दोषियों का बीजेपी से संबंध है, राज्य में अपराधियों में कोई डर नहीं है। साथ ही कांग्रेस महासचिव ने राज्य की बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि राज्य में अपराधियों की कोई जगह नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ महिलाओं के लिए कोई जगह नहीं है। प्रशासन को बताना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। वहीं प्रियंका गांधी ने उन्नाव रेप पीड़िता की मौत के बाद उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर योगी आदित्यनाथ सरकार पर हमला बोला है। साथ ही प्रियंका गांधी ने शनिवार को ट्वीट में कहा कि मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूं कि उन्नाव पीड़िता के परिवार को इस दुख की घड़ी में हिम्मत मिले और ईश्वर उनका साथ दे। उन्नाव रेप केस की पीड़िता की मौत के बाद अब सियासत बढ़ गई है। उन्नाव गैंगरेप की पीड़िता का दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में देर रात निधन हो गया। इस घटना के बाद पूरे देश में आक्रोश को देखने को मिला है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव विधानसभा के सामने धरने पर बैठ गए। अखिलेश यादव के साथ उनकी पार्टी के कई वरिष्ठ नेता भी धरने पर बैठे। साथ ही लखनऊ में कांग्रेस कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी दफ्तर के सामने प्रदर्शन करने पहुंचे। इसी बीच पुलिस और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में भिड़ंत हो गई। पुलिस ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज कर दिया। इसी बीच कांग्रेस के महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा रेप पीड़िता के परिवार से मिलने भी उन्नाव पहुंची। उन्नाव में दुष्कर्म के बाद आरोपियों द्वारा जिंदा जलाई गई पीड़िता ने शुक्रवार देर रात दिल्ली के अस्पताल में दम तोड़ दिया, जहां पीड़िता की मौत के बाद नाराज भाजपा के वरिष्ठतम नेता मंत्री उमा भारती ने प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से तुरंत और कड़ी कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा कि उन्नाव की इस घटना के बाद ऐसी कार्रवाई हो कि उत्तर प्रदेश में महिलाओं की तरफ बुरी नजर डालने वाले लोग भय से कांप उठें। आपको बता दें कि उमा भारती ने सिलसिलेवार कई ट्वीट करते हुए लिखा कि अभी सवेरे सवेरे एक दुखद समाचार मिला। उन्नाव में दुराचार की शिकार बहन को जमानत पर छूटे दुराचारियों के द्वारा जला दिया गया था और तथा आज उनकी मृत्यु का समाचार मिला है। जबकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मेरे भाई योगी आदित्यनाथ पूर्वांचल में महिलाओं की सुरक्षा की गारंटी माने जा रहे हैं और अब इस घटना पर भी उन्हें अपराधियों पर मामले की गंभीरता के अनुसार संपूर्ण कार्रवाई करनी चाहिए। उन्नाव सामूहिक दुष्कर्म के शिकार हुई यूपी की उन्नाव की बहादुर बेटी की रात 11:40 पर दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में उसके दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। बेटी की मौत के बाद उसके पिता ने बड़ा बयान दिया है। पीड़िता के पिता का कहना है कि आरोपियों का हैदराबाद की तरह एनकाउंटर हो, इन्हें दौड़ाकर गोली मारी जाए या फिर फांसी पर लटका दिया जाए, हमें जान के बदले जान चाहिए। पीड़िता के पिता ने कहा कि मुझे प्रशासन ने बेटी की मौत की खबर नहीं दी। साथ ही उन्होंने कहा कि आरोपियों ने हमें भी जान से मारने की धमकी दी है। पीड़िता की मौत के बाद अब परिवार आरोपियों को फांसी देने की मांग कर रहा है। अभी सभी 5 आरोपी जो हैं वो पहले ही पकड़े जा चुके हैं। एसआईटी जांच भी हो रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जल्द से जल्द इंसाफ दिलाने का भरोसा भी दिया है। सरकार प्रशासन को यही चाहते हैं कि जैसे हैदराबाद में कांड हुआ है और इन लोगों को दौड़ा करके गोली मारी गई है, या तो इन लोगों को फांसी दी जाए या तो इन लोगों को दौड़ा करके गोली मारी जाए। इसके अलावा हमको ना कोई धन का लालच है, ना कोई चीज़ का लालच है कि हमारा बिल्डिंग बन जाए,
हमको और कुछ नहीं चाहिए। जैसा हमारी लड़की के साथ घटना की गई है वैसी घटना सामने हमको देखने को मिली। ये लड़की अकेले जा रही थी इलाहाबाद ट्रेन पकड़ने के लिए, उसको रायबरेली। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में एक बार फिर से नाबालिग से दरिंदगी का मामला सामने आया है। वहीं यूपी में लगातार सामने आ रहे बलात्कार के मामलों ने राज्य की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। जहां खेत में सब्जी तोड़ने गई एक 14 साल की नाबालिग किशोरी को तीन युवकों ने खेत में बंधक बनाकर उसके साथ गैंगरेप किया। पीड़िता आरोपियों के रिश्तेदार है। जहां एक अन्य नाबालिग आरोपी को गैंगरेप का वीडियो इंटरनेट पर डालने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। इस मामले पर एसएसपी एसके सिंह ने कहा कि केस दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने सभी चार आरोपियों को दो घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया है। ये मामला बुलंदशहर के पहासू थाना क्षेत्र का है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। घटना के विस्तृत ब्यौरे की प्रतीक्षा है। खबर में आगे बढ़ेंगे। जौनपुर में सड़क किनारे खड़ी चार पहिया वाहन में रोडवेज बस ने टक्कर मार दी। टक्कर में दोनों वाहन अंतरित होकर खड्डे में जा गिरे, जिसमें दोनों वाहन में आग लग गई। आनन फानन में बस में बैठे यात्रियों ने बस से कूदकर अपनी जान बचाई। वहीं कार में सवार तीन लोग मामूली रूप से घायल हुए हैं। स्थानीय लोगों ने सभी घायलों को स्थानीय अस्पताल भेजा है। इसके बाद फायर ब्रिगेड और पुलिस को सूचना दी गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने दमकल की जो गाड़ी पहुंची थी उसने आग को बुझाया। आपको बता दें कि रोडवेज बस वाराणसी से आजमगढ़ की तरफ जा रही थी, जहां चंदवक थाना क्षेत्र के वाराणसी आजमगढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग पर रामगढ़ ग्राम सभा के पास पहुंचते ही सड़क किनारे खड़ी डिजायर से जाकर टकरा गई। एक बस बनारस तरफ से भरी हुई यात्रियों के साथ आ रही थी, आजमगढ़ की तरफ से शिव डिजायर में तीन लोग थे, जा रहे थे बनारस। यहाँ रामगढ़ बलुआ में दोनों में टक्कर हुआ और दोनों सड़क के नीचे जा गिरे। कतपे कारणों से आग लग गई। फायर ब्रिगेड मौके पर आ गई है, जैसा कि आप देख रहे हैं आग बुझा रही है। हमारे जवानों ने घायलों को अस्पताल भिजवा दिया है। ये सब घायलों को देखा है, सुरक्षित है, कोई खतरे में नहीं है। फिरोजाबाद के थाना खैरगढ़ क्षेत्र के प्रतापपुर गांव में गृह कलेश से तंग आकर एक विवाहिता ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना मिलते ही महिला के मायके वाले पहुंचे और पुलिस को घटना की जानकारी दी। वही घटना की जानकारी मिलने पर सीओ अजय चौहान पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंच गए। घटना की जानकारी लेकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बताया जा रहा है कि गृह क्लेश के चलते विवाहिता ने फांसी लगाई है। वहीं मायका पक्ष ने पति पर आए दिन शराब पीकर मारपीट करने का आरोप भी लगाया है। परिजनों ने बताया कि मृतका की शादी 4 वर्ष पहले हुई थी, उसकी एक पुत्री भी है। परिजनों का आरोप है कि मृतका का पति मजदूरी करता है और आए दिन शराब पीकर उनकी बेटी के साथ मारपीट करता था। इससे परेशान होकर उसने आत्महत्या कर ली है। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर कार्रवाई करने की बात कह रही है। फिरोजाबाद की नसीरपुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पुलिस ने ग्राम रपड़ी में जमुना के किनारे छापा मारकर जुआ खेल रहे 17 जुआरियों को पकड़ लिया। साथ ही पुलिस ने मौके से 39 मोटरसाइकिल्स, 4 कारें, 1 पिस्टल, 52,000 से अधिक की नकदी समेत ताश के पत्ते बरामद किए हैं। वहीं पुलिस ने पकड़े गए 17 जुआरियों पर कार्रवाई कर उन्हें जेल भेज दिया है। आपको बता दें कि नसीरपुर पुलिस ने क्षेत्राधिकारी सिरसागंज आईपीएस डॉक्टर ईरज राजा के साथ मिलकर मुखबिर की सूचना पर छापा मारकर कार्रवाई की और इस दौरान पुलिस ने 17 जुआरियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पुलिस ने पकड़े गए 17 अभियुक्तों के पर आर्म्स एक्ट और जुआ अधिनियम के तहत कार्रवाई की है। एसएसपी सर के निर्देशानुसार और उनके गाइडेंस में जो अभियान चल रहा है वांछितों के विरुद्ध और इन सब जो इलीगल गतिविधियां हैं जिनमें की खास तौर पर हम जुआ वगैरह जहां पर अवैध चल रहा है तो उसके खिलाफ एक अभियान हम चला रहे हैं और उसकी स्टार्ट एक तरह से करी है हमने कल से। तो एक मुखबिर की सूचना हमें आ रही थी कुछ समय से, तो उसको हमने प्लानिंग करके रपड़ी में जंगलों में यमुना किनारे वहाँ पर हमने कल दबिश दी। उसमें थाने की पूरी टीम थी, उसके साथ हमने दबिश की तो वहाँ पर लगभग 40 या 39 मोटरसाइकिलें थी, 4 बड़े वाहन थे 4 व्हीलर्स, इसके अलावा काफ़ी संख्या में मोबाइल्स मिले, 52,500 वहाँ पर कैश बरामद हुआ और इसके अलावा एक वहाँ पर हमको पिस्टल भी मिली देसी
तो ये सब चीज़ें वहाँ पर मिली हैं और इसमें उपयुक्त धारा में मुकदमा दर्ज हुआ है आर्म्स एक्ट और जुआ अधिनियम के तहत और इसमें पूरा बराबर कार्रवाई की जा रही है और 17 अभियुक्त हमारे पास अभी हैं और जो अभियुक्त हैं उनकी मोटरसाइकिल के जो नंबर हैं चेसिस नंबर उसके आधार पर हम उनकी तलाश कर रहे हैं वो कौन है और उन लोग के विरुद्ध भी उनका भी नाम प्रकाश में आएगा और इन लोगों को हम जेल भेज रहे हैं। बोल क्लब आजाद है तेरे बोल जबां अब तक तेरी है तेरा सुतमा जिस्म है तेरा बोल की जान अब तक तेरी है बोल ये थोड़ा वक्त बहुत है जिस्म जबां की मौत से पहले बोल की सच जिंदा है अब तक बोल जो कुछ कहना है कह ले इंडिया वॉच से जुड़िए सिटीजन जर्नलिस्ट बनिए जरा जोर से कहिए मैं भी जर्नलिस्ट इंडिया वॉच तक अपनी स्टोरी पहुंचाने के लिए स्मार्टफोन से तस्वीर खींचिए अपने शब्दों में अपनी स्टोरी लिखिए खुद भी सेल्फी मोड में जाइए और अपनी बात बुलंद आवाज में कह डालिए सब कुछ हमारे व्हाट्सएप नंबर 8423399999 पर भेज दीजिए हाँ अपना नाम पता फोटो और स्थान लिखना मत भूलिएगा देश दुनिया की हर छोटी बड़ी खबरों पर इंडिया वॉच की पैनी नजर अब हर खबर आपके मोबाइल पर सब्सक्राइब नाउ दुनिया की हर छोटी बड़ी खबरों पर इंडिया वॉच की पैनी नजर अब हर खबर आपके मोबाइल पर सब्सक्राइब नाउ बोल क्लब आजाद है तेरे बोल जबां अब तक तेरी है तेरा सुतमा जिस्म है तेरा बोल की जान अब तक तेरी है बोल ये थोड़ा वक्त बहुत है जिस्म जबां की मौत से पहले बोल की सच जिंदा है अब तक बोल जो कुछ कहना है कह ले इंडिया वॉच से जुड़िए सिटीजन जर्नलिस्ट बनिए जरा जोर से कहिए मैं भी जर्नलिस्ट इंडिया वॉच तक अपनी स्टोरी पहुंचाने के लिए स्मार्टफोन से तस्वीर खींचिए अपने शब्दों में अपनी स्टोरी लिखिए खुद भी सेल्फी मोड में जाइए और अपनी बात बुलंद आवाज में कह डालिए सब कुछ हमारे व्हाट्सएप नंबर 8423399999 पर भेज दीजिए हाँ अपना नाम पता फोटो और स्थान लिखना मत भूलिएगा देश दुनिया की हर छोटी बड़ी खबरों पर इंडिया वॉच की पैनी नजर अब हर खबर आपके मोबाइल पर सब्सक्राइब नाउ दुनिया की हर छोटी बड़ी खबरों पर इंडिया वॉच की पैनी नजर अब हर खबर आपके मोबाइल पर सब्सक्राइब नाउ बोल क्लब आजाद है तेरे बोल जबां अब तक तेरी है तेरा सुतमा जिस्म है तेरा बोल की जान अब तक तेरी है बोल ये थोड़ा वक्त बहुत है जिस्म जबां की मौत से पहले बोल की सच जिंदा है अब तक बोल जो कुछ कहना है कह ले इंडिया वॉच से जुड़िए सिटीजन जर्नलिस्ट बनिए जरा जोर से कहिए मैं भी जर्नलिस्ट इंडिया वॉच तक अपनी स्टोरी ब्रेक के बाद आपका स्वागत है खबरों में आगे बढ़ेंगे फिरोजाबाद पुलिस ने गैंगरेप का आरोप लगाने वाली एक छात्रा की पोल खोल दी है जहां छात्रा ने अपनी स्ट्रीट शीटर प्रेमी के साथ मिलकर चार युवकों पर झूठा गैंगरेप का आरोप लगाया उन्हें फंसाने की साजिश रची थी जिसका पुलिस ने 8 घंटे के अंदर ही खुलासा कर दिया प्रेमी प्रेमिका और एक अन्य साथी को गिरफ्तार कर लिया गया है मामला 3 दिन पहले का है जहां आगरा की रहने वाली बीए की छात्रा ने थाना पचोखरा क्षेत्र के जौरीगढ़ी के समीप खड़े होकर किसी राहगीर के मोबाइल से 112 नंबर पर पुलिस को अपने साथ गैंगरेप होने की सूचना दी थी गैंगरेप की जानकारी मिलते ही आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए छात्रा ने पुलिस को बताया कि वह बुधवार सुबह आगरा के खंदारी स्थित कोचिंग में पढ़ने जा रही थी उसी दौरान आरोपी चारों युवक गाड़ी में आए और छात्रा से कहा कि उसके भाई का एक्सीडेंट हो गया है वह उसी के पास जा रहे थे उन्होंने उसे भी साथ चलने को कहा छात्रा उनके साथ कार में बैठ गई फिर आरोपी उसे खेत में ले गए और उसके साथ गैंगरेप किया वहीं पुलिस ने तत्काल युवती का मेडिकल कराया और उसके बताए आधार पर जांच कर चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया इस दौरान पुलिस की जांच पड़ताल में घटना की परत दर परत खुलने लगी और पुलिस ने पूरे फर्जी मामले की पोल खोलकर रख दी पुलिस ने तत्काल प्रेमी प्रेमिका और उसके अन्य साथियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया
देखिए ये 4 तारीख को करीब 12:30 बजे हम लोगों को सूचना प्राप्त हुई 100 नंबर के माध्यम से, जिसमें एक 20-22 वर्षीय युवती ने सूचना दिया कि उसके साथ एक गैंगरेप की घटना हुई है। और उस सूचना को संज्ञान में लेते हुए तत्काल ही पचोखरा थाने में FIR दर्ज की गई। FIR दर्ज होने के बाद पीड़िता को शीघ्र ही मेडिकल के लिए भेजा गया, और जिन लोगों के नाम उन्होंने FIR में लिखवाए थे, 3 नामजद अभियुक्त थे और 1 अज्ञात के खिलाफ, उन तीनों को इसमें हम लोगों ने हाथरस पुलिस, आगरा पुलिस और IG सर के निर्देशन में तत्काल उन तीनों लोगों को हमने पकड़ा। और जब उनसे हम लोगों ने गहनता से पूछताछ की तो इसमें चीज़ें अलग निकल के आईं। पुनः जब पीड़िता से बात की गई तो उसके बयान में काफ़ी विरोधाभास उत्पन्न हुआ। इवन पीड़िता के जो भाई हैं उसने ये बताया कि जिन लोगों को मेरा दोस्त बताया गया है मेरी सिस्टर के द्वारा, उनको मैं जानता नहीं, मेरे दोस्त नहीं हैं। इस तरीके से जब इसमें हम लोगों ने और गहनता से जांच की तो ये मामला पूरी तरीके से फर्जी पाया गया और एक झूठा षड्यंत्र इसमें कारित किया गया था, और इसके तहत जो प्रेमिका है, ये पीड़िता है, उसने अपने प्रेमी को मिल करके और प्रेमी के एंटी पार्टी लोगों को इस मुकदमे में नामजद किया था। इस प्रकार ये पूरा एक झूठा मुकदमा सामने आया है। इसमें जो लोग नामजद हैं और जो 3 अभियुक्त आपके सामने भी आए थे, उसमें अनिल बॉक्सर नाम का जो व्यक्ति है उसके ऊपर 302 का मुकदमा लिखा है, करीब 10 से 11 मुकदमे उसके ऊपर दर्ज हैं, और जिसमें जो हमारा गैंगरेप में जिनको आरोपी बनाया है वो लोग उस प्रकरण में जो है उनसे बदला लिया गया। लखीमपुर खीरी में पुलिस और बदमाशों के बीच देर रात मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में एक बदमाश के पैर में गोली लग गई। वहीं मुठभेड़ के दौरान कोतवाली प्रभारी निरीक्षक के बुलेट प्रूफ जैकेट में गोली लग गई, जिससे वो बाल बाल बच गए। वहीं अंधेरे का फायदा उठाकर 2 बदमाश पुलिस को चकमा देकर फरार हो गए, जबकि पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। बताते चले कि 2 दिन पहले बदमाशों ने प्रधानपति की हत्या कर दी थी। तकरीबन रात में 11 बजे खजुआ मोड़ मोहम्मदी क्षेत्र में इसराइल जो बदमाश वांछित था 302 का, उसके बीच और पुलिस के बीच फायरिंग हुई है और इसराइल के पैर में गोली लगी है। इसको ट्रीटमेंट हेतु जिला अस्पताल लाया गया है। सुबह इन लोगों ने इसके फादर इलियास की हत्या करी थी और 2008 में इसके बेटे की भी इन अभियुक्तों द्वारा हत्या की गई थी। पुलिस आगे कार्रवाई की जा रही है पुलिस के द्वारा। लखीमपुर खीरी में पुलिस का अमानवीय चेहरा एक बार फिर से सामने आया है, जहां पति पत्नी की लड़ाई के बाद पत्नी की शिकायत पर 3 सिपाहियों ने युवक को चौकी पर लाकर उसकी बेरहमी से लाठी डंडों से पिटाई की, जिससे युवक की हालत गंभीर हो गई तो पुलिसकर्मियों ने उसे चौकी के बाहर रोड पर फेंक दिया। सूचना मिलते ही पीड़ित का बेटा पुलिस चौकी से उठाकर घर ले आया अपने पिता को। घर लाने के बाद पिता की हालत और ज्यादा गंभीर हो गई, जिसके बाद उसे पालिया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे गंभीर हालत देखते हुए जिला अस्पताल रेफर कर दिया। वहीं पुलिस इस मामले को दबाने में लगी है। पुलिस के आला अधिकारी कैमरे के सामने बोलने से इनकार कर रहे हैं। सोनभद्र में 54 ब्लॉक के कोन थाना क्षेत्र में स्थित कोटेदार की दुकान पर राशन वितरण के दौरान मारपीट का मामला सामने आया है, जहां उपभोक्ता के कम राशन वितरण करने का विरोध करने पर कोटेदार चंद गुप्ता ने अपने गुर्गों के साथ उपभोक्ताओं के साथ गाली गलौज कर मारपीट की है, जिससे उपभोक्ता गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और दोनों पक्षों को थाने में ले गई। वहीं अन्य उपभोक्ताओं ने भी घटतोली के विरोध करते हुए कोटेदार को तत्काल हटाने की मांग की है। साथ ही उपभोक्ताओं ने बताया कि कोटेदार राशन देने में अपनी मनमानी करता है और विरोध करने पर अक्सर दबंगई करता है। आपको बता दें कि हमीरपुर में उद्यान विभाग की तरफ से कृषकों को जागरूक करने के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजनाग्रत पर ड्राफ्ट ड्रॉप मोर क्रायर माइक्रो इरिगेशन एक दिवसीय कृषक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में के दौरान प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का मुख्य उद्देश्य सब्जी और बागवानी में कम पानी से ज्यादा उत्पादन करने की जानकारी दी गई। वही कार्यक्रम में कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक प्रशांत कुमार ने ब्रोकली के फायदे बताए तो कैंसर के लिए विशेष लाभदायक है। साथ ही बताया कि बुंदेलखंड क्षेत्र में धान के हिसाब से जलवायु उपयुक्त नहीं है, जिसके अनेकों नुकसान हैं। जिला उद्यान अधिकारी उमेश उत्तम ने बताया कि पारंपरिक खेती से आर्थिक उन्नति संभव नहीं है और आय दुगनी करने के लिए
किसानों को बागवानी और सब्जी की खेती करने की आवश्यकता है। कार्यक्रम में दर्जनों वैज्ञानिकों के साथ सैकड़ों किसान उपस्थित रहे। उद्यान विभाग द्वारा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना भारत सरकार और केंद्र राज्य सरकार के समन्वय में चलाई जा रही है, उसमें कृषकों को जल संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इसमें कृषकों को जो सिंचाई की नवीन तकनीकी अपनाई जा रही हैं, ड्रिप है, स्प्रिंकलर है, माइक्रो स्प्रिंकलर है, इनके रख रखाव के बारे में, इनको लगाने के बारे में, इसमें किस प्रकार से विभाग से अनुदान प्राप्त कर सकते हैं, इसके बारे में विस्तृत जानकारी किसानों को दी गई है। इसमें से इनको लगाने से किसान को क्या फ़ायदा होगा, कितना जल बचाया जा सकता है और यहाँ की जो बुंदेलखंड की समस्या है जल की, उससे किस प्रकार निजात पा सकते हैं, या ऊबड़ खाबड़ जमीन होती है उसमें भी किसान किस प्रकार से सिंचाई कर सकता है और अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकता है, इस बारे में जानकारी दी गई। और किसानों को यहाँ पर कृषि विज्ञान केंद्र में जो ड्रिप स्प्रिंकलर आदि संयंत्र लगे हैं उनका प्रक्षेपण। उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री अनिल शर्मा दो दिवसीय दौरे पर कासगंज में पहुंचे, जहां उन्होंने पशुपालन विभाग की तरफ से आयोजित निराश्रित गौवंश लोक सेवक जन कार्यक्रम में हिस्सा लिया। कार्यक्रम के दौरान डीएम, एसपी और सीडीओ समेत पशु विभाग के कर्मचारियों ने 42 गौवंशों को गोद लिया। आपको बता दें कि कार्यक्रम के उपरांत प्रभारी मंत्री अनिल शर्मा, विधायक देवेंद्र राजपूत, जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह ने गौ माता की पूजा अर्चना की और गौवंशों को कम्बल उड़ाकर देखभाल करने का संकल्प लिया। वहीं डीएम चंद्र प्रकाश की अनोखी पहल को लेकर अनिल शर्मा ने सराहना करते हुए कहा कि डीएम के प्रयास को अन्य जनपदों में भी लागू किया जाएगा। और इसको जो है, जब लोक सेवक यहाँ के जिलाधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, ये सारे लोग जब इसको अपने यहाँ रखेंगे, करेंगे, तो हमारा जो किसान है, जो हमारा खेतिहर मजदूर है, जो हमारे छोटे गांव के जो हमारे बंधु हैं, उनमें जागृति उत्पन्न होगी और वो फिर इसको जो है बांधना और पालना शुरू करेंगे। मांगने का नहीं है, तो लॉ काम करता है, कानून काम करता है, कानून व्यवस्था काम करती है। हैदराबाद में उन्होंने पुलिस पर आक्रमण किया, अपने उसके प्रत्युत्तर में ये घटना घटी। और हमारे यहाँ, आप उन्नाव छोड़िए, मैं कासगंज की अगर बात करूँगा, तो अभी पीछे एक दुष्कर्म पीड़ित को यहाँ की पुलिस ने तुरंत उसमें अरेस्टिंग की, तुरंत गिरफ्तारी की और 23 दिन के अंदर प्रोसिक्यूट करा दिया। ये काम है सरकार का, दोषियों को सजा दिला देना इतनी जल्दी, तो इससे अपराधी जो है उनके हौसले पस्त होंगे और अपराध पर। उत्तर भारत के प्रमुख तीर्थ स्थल कासगंज के सोरो में लगने वाले मार्ग शीर्ष मेले का शुभारंभ हुआ। दिव्य और भव्य मार्गशीर्ष मेले का शुभारंभ राज्य मंत्री महेश गुप्ता ने हवन पूजन के साथ किया। इस दौरान मौके पर जिला प्रशासन के साथ बड़ी संख्या में नेता मौजूद रहे। यह मेला 31 दिसंबर तक चलेगा। आपको बता दें कि सोरो का मार्गशीर्ष मेला उत्तर भारत का प्रसिद्ध मेला है। इस मेले में देश से लाखों श्रद्धालु गंगा में डुबकी लगाने के लिए आते हैं। यह मेला 6 दिसंबर से शुरू होकर आगामी 21 दिसंबर तक चलेगा। मेले का पहला स्नान 8 दिसंबर को एकादशी स्नान के साथ पंचकोशी परिक्रमा तथा 11 दिसंबर को नागाशाही स्नान के अलावा 12 दिसंबर को अंतिम स्नान पूर्णिमा पर्व का होगा। वहीं 15 दिनों तक चलने वाले मेले में सर्कस, चरखा, झूला, डांस पार्टी के अलावा नारंगी और खजूला से भी मार्गशीर्ष मेले की अलग पहचान है। इस बुलेटिन फिलहाल इतना ही। आप बने रहे इंडिया वॉच के साथ।